हेलो आई डियर फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत है आप सभी का अंजीव सिंह एकेडमी में तो चलिए हम बात कर रहे हैं एक नए सर्कुलर के बारे में जो सर्कुलर 9 तारीख के डेट में आया था तो चलिए मैं ले चलता हूं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहां दिखाता हूं उस सर्कुलर को तो आपके सामने मैंने सी बी एस ई अकेडमिक डॉट नीक डॉट इन साइट को ओपन कर रखा है जैसा कि आप देख पा रहे हैं और इसमें मैं आ जा रहा हूँ स्किल एजुकेशन पे एकेडमिक ट्रेनिंग एंड स्किल एजुकेशन तो मैं आ गया स्किल एजुकेशन पे वर्कशॉप फॉर टीचर्स देखिये आप देख सकते हैं सर्कुलर के अंदर है. Circular की मैं बात कर रहा हूँ वर्कशॉप फॉर टीचर जो है ऑन क्लास रूम एंगेजमेंट फॉर यंग वैरियर मोवमेंट यंग वेरियर मूवमेंट के लिए इन्होंने क्लास रूम एंगेजमेंट का एक सर्कुलर निकाला है जहां पर टीचर्स की ट्रेनिंग दी जा रही है और टीचर्स फर्दर क्या करेंगे फैसिलिटेट करेंगे बच्चों को ठीक है तो आइए जरा सर्कुलर को देखते हैं कि आखिर ये सर्कुलर है क्या तो ये आपके सामने देखिए मैंने सर्कुलर को ओपन करके रखा हुआ है सर्कुलर के अंदर क्या दिया हुआ है ये सर्कुलर आया था 9 सात 2021 को कब आया था 9 सात 2021 को सर्कुलर के अंदर लिखा हुआ है वर्कशॉप फॉर टीचर्स वर्कशॉप फॉर टीचर्स ठीक है टीचर्स के लिए वर्कशॉप है सीबीएसई एफिलिटेटेड स्कूल्स ऑन क्लासरूम एंगेजमेंट फॉर यंग वैरियर मोमेंट तो टाइटल ऑफ द वर्कशॉप हो गया क्लासरूम एंगेजमेंट फॉर यंग वैरियर मोमेंट सीबीएसई कह रही है कि जो पिछला सर्कुलर आया था टू 2021 और नोटिफिकेशन आए थे 51 2021 रिगार्डिंग द यंग वैरियर मूवमेंट

तो मतलब टीचर्स को ये वर्कशॉप दिया जाएगा हर एक स्कूल्स के दो टीचर्स को ताकि वो बच्चों को फैसिलिटेट कर सके इंफॉर्मेटिक आर्टवे की ताकि बच्चा फ्रूटफुल काम करे क्लास के अंदर

सिचुएशन में डिस्पेल वैक्सीन हेजिटेंसी मतलब लोगों में वैक्सीन लेने के लिए थोड़ा सा डर है उसको दूर करना है मेंटल हेल्थ अमोंग अदर्स तो इन सब के ऊपर ये सेशन होगा थ्रू एक्सप्रेसिव एक्टिविटीज ऑफ पोएट्री बच्चा पोएट्री के थ्रू थिएटर एंड अदर आर्ट फॉर्म्स स्टूडेंट विल इंस्पायर पॉजिटिव चेंज एंड एक्शन इन देयर कम्युनिटीज मतलब स्टूडेंट क्या करेगा अपनी सोसाइटी को एक सुधारने का प्रयास करेगा डिफरेंट मेथड से पोएट्री के थ्रू थिएटर के थ्रू और अदर आर्ट फॉर्म्स के थ्रू तो इसके ऊपर एक वर्कशॉप सीबीएसई ऑर्गेनाइज कर रही है यूनिसेफ एंड युवा के के साथ और ये वर्कशॉप कब होगा इस वर्कशॉप का जो डेट है वो सारे डिटेल्स में अभी आपको बता रहा हूं इसके अंदर में क्या है दिस विल बी इन लाइन विथ फाइव वर्चुअल टास्क यहाँ पे पांच वर्चुअल टास्क अराउंड कोविड भी नाइनटी द स्टूडेंट है

देयर कम्युनिटीज अगेंस्ट कोविड 19। इसके लिए यूट्यूब लिंक भी दिया गया है इनिशियली यूट्यूब लिंक दे दिया गया है इस वर्कशॉप का यूट्यूब आप देखिए इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा तो आप यहां से उस वर्कशॉप वाले पे आप जाएंगे और वहां से ट्रेनिंग आप कर सकते हैं लेकिन यहां पे एक दूसरा ऑप्शन भी है ये ऑप्शन है ओपन फॉर द ऑल टीचर्स फ्रीली अवेलेबल है सभी टीचर्स के लिए सीबीएसईटेड स्कूल स्कूल शुड नॉमिनेट एटलीस्ट टू टीचर्स एज अ नोडल पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट हु कैन रजिस्टर ठीक है तो जो रजिस्टर्स कर सकते हैं इस गूगल फॉर्म्स के थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हो यहां पे सीबीएसई ने वेक्स वेबवैक्स सिस्टम्स को विवैक्स सिस्टम को लॉन्च किया है अपने साथ तो यहां पे इनके साथ क्या है कि पार्टिसिपेंट्स अब ज्यादा हो सकते हैं तो फर्स्ट नाइन हंड्रेड पार्टिसिपेंट जो हैं इन दिस सेट वर्कशॉप

मेल कर सकते हो इन्फॉर्मेशन ले सकते हो डॉक्टर विश्वजीत साहा डायरेक्टर स्किल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अब मैं आपको इस गूगल फॉर्म को दिखा देता हूं और इस यूट्यूब चैनल को भी दिखा देता हूं तो मैंने इस लिंक पे क्लिक कर दिया क्लिक करने से ही देखिए यहाँ पे हमारा यूट्यूब चैनल आ गया है ये लाइव इन टू डेज यहाँ पे दिखा रहा है टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप फॉर टीचर्स ऑन क्लासरूम एंगेजमेंट फॉर यंग वेरियर मूवमेंट ठीक है टू वेटिंग है मतलब अभी मैंने यहाँ पे लॉग इन किया है सी बी एस सी अकेडमिक एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू ये प्रोग्राम लॉन्च कराया जा रहा है ठीक है अब अगर मैं उस गूगल फॉर्म पे क्लिक करूँ तो चलिए देखते हैं वो गूगल फॉर्म क्या हमें कहाँ लेके जाएगा तो मैं गूगल फॉर्म भी आपको दिखा दूँ कि गूगल फॉर्म कैसा है चलिए आइए तो जरा सा इस गूगल फॉर्म के लिंक पर भी मैं क्लिक करता हूँ ये सर्कुलर आ, ये देखिए सी बी एस सी क्लास रूम एंगेजमेंट फॉर यंग वेरियर्स तो यहाँ से आप पूरा डिटेल्स देखे एप्लीकेशन भर सकते हैं ठीक है आपकी पूरी इंफॉर्मेशन होगी ई मेल ऑफ स्कूल कॉन्टेक्ट नंबर ऑफ स्कूल नेम ऑफ द प्रिंसिपल पिन कोड स्टेट एड्रेस ऑफ स्कूल नेम ऑफ द स्कूल नंबर ऑफ द स्कूल तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको देने हैं और इसके बाद आपका एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट हो जाएगा ध्यान रहे फर्स्ट 900 हंड्रेड पार्टिस को ही वेब लिंक भेजा जाएगा रेस्ट पार्टिसिपेंट्स यूट्यूब चैनल पे ही इस वर्कशॉप को अटेंड कर पाएंगे ठीक है मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें थैंक यू नमस्कार